दो घंटे के लाइव सेशंस करती हैं और फिर पहुंच जाती हैं चुड़ैलों की तरह छत के ऊपर, जहां पर उनकी मुर्गियां कुकड़ू कु करके प्रोटेस्ट करती रहती हैं। आई स्वेयर टू यू, ये मुर्गियां जो हैं ये बेजबान जानवर हैं, ये सिवाय सच के कुछ और नहीं बोलना चाहती हैं। तो एज सून एज जुनैरा माहम साहब अपना मुंह खोलती हैं, साथ ही मुर्गियों की कुकड़ू कु शुरू हो जाती है, क्योंकि वो भी ऑडियंसेस को बताना चाहती हैं कि ये झूठी औरत है, ये फिर से आ गई है छत के ऊपर हमारा सुकून बर्बाद करने के लिए। रात में ये तुम लोगों का सुकून बर्बाद करती है, दिन में ये हमारा सुकून बर्बाद करती है। तो वो आ गई छत पे और आके कहती हैं, शायद आप में से कुछ लोगों को रात में दो घंटे में हमारी बात समझ नहीं आई होगी, इसलिए मैं फिर से आ गई हूँ। जिसके अंदर वो बताती हैं कि जी इदारे जो हैं वो मेरे हैं, इदारे जो हैं मेरे बाप के हैं, इदारे जो हैं मेरे दादा के हैं, और वो इदारे सिर्फ इनके लिए खुले बैठे हैं, उन इदारों का और कोई काम नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू, सारे के सारे वेले हैं, वेले वदीकट, हर बंदा वेला बैठा है और हर बंदा जो है ना वो इस इंतजार में बैठा है जुनैरा माहम कब आएंगी, जुनैरा माहम पर टेक्स्ट कब आएगा। और फिर वो क्लियर भी कर देती हैं कि जो जजेस के बारे में जो सारी बातें बातें हुई थी वो उन्होंने नहीं की थी। वो कहते हैं ना कन्नी कतरा के निकल जाती हैं, तो वो सारा का सारा उठा के इल्जाम डाल देती हैं जाफरी साहब के ऊपर, और साथ साथ कह देती हैं कि जी जाफरी साहब तो रेडी हैं, जी वो बिल्कुल रेडी हैं, उनके सूट केसेस पैक है। जाफरी साहब आपको उनको बता भी चुके हैं ना, उनके सूट केसेस पैक है। एडवोकेट से जाहिर जाफरी साहब बोल रहे होंगे, माई लॉर्ड असी ते रेडी हैं कराची आने वास्ते, बुला लो माई लॉर्ड, बुला लो, प्लीज बुला लो। जाहिल जाफरी साहब बहुत बेचैन है कराची आने के लिए, बहुत बेचैन है, इनको जरूर कुट पड़ती होगी अपनी बेगम से, रोज कुट पड़ती होगी जो ये इतने बेचैन है, और इजाजत भी नहीं मिलती होगी आने की। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि लीगल नोटिस लेके जाएं बेगम के पास कि बेगम डार्लिंग स्वीट हार्ट देखो माय लॉर्ड ने बुलाया है, कराची बुलाया है योर ऑनर ने, ये देखो सबूत है मेरे पास, ये लो देखो लीगल नोटिस। तभी तो मांग रहे रो रो के कि माय लॉर्ड प्लीज बुला लो खुदा का वास्ता है माय लॉर्ड बुला लो, असी ते रेडी है, साडे सूटकेस भी रेडी है, माय लॉर्ड बुला लो, प्लीज बुला लो। तो माय लॉर्ड इनको बुला लो प्लीज, ये बेचारे मरे जा रहे हैं यहाँ पे। जाफरी साहब बैठ के बोल रहे थे, आई थिंक असद जाफरी साहब को बोल रहे थे कि जुनैरा माहम साहिबा के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी, क्योंकि वो ले आए थे डॉक्टर नबीहा को अपने शो में, तो उन्होंने डॉक्टर नबीहा ने तो सारा कट्टा छट्टा खोल के बता दिया इनके ऊपर, तो लग गई इनको आग जुनैरा माहम साहिबा को। तो उस पे आ गए ब्रदर ऑफ द ईयर जी, आ गए बीच में छलांग मार ली उन्होंने, कहा कि ये तो मेरी बहन है तो तुमने इसको कैसे बोल दिया जी, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी है, पर्सनल नहीं होना है यहाँ पे, हम भी बोलते हैं, हम भी तनकीदे करते हैं लेकिन हम पर्सनल नहीं होते, लोग पर्सनल अटैक नहीं करते, आप लोग पर्सनल अटैक नहीं करते। गाइज कैन यू बिलीव दिस, ये लोग कह रहे हैं कि हम पर्सनल अटैक नहीं करते, हम पर्सनल होते ही नहीं है। जाफरी साहब जब आपके अपने ऊपर बात आई, जब जुनैरा साहिबा आपके अपने ऊपर बात आई है, तो आपके नीचे चूल्हा ऑन हो गया, फुल पे आपके नीचे चूल्हा ऑन हो गया, और उससे पहले जो आप हरकतें करती रही हैं मेहदी काजमी साहब के साथ, साइमा काजमी साहिबा के साथ, उनकी फैमिली के ऊपर जो आप बकवासात करती रही हैं और अभी तक कर रही हैं, अभी तक उनकी बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है और आप उसकी तस्वीरें उठा के लगा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये सारी हरकतें इखलाक से गिरी हुई नहीं है? हैव यू लॉस्ट योर मार्बल्स, आपके दिमाग जो है आप कहीं बेच कर आ गई है या इनिशियली शुरू दिन से ही आपके पास नहीं था? गट्स चेक करें, ये कहती है कि अगर किसी ने केस हारना हो, तो वो जिब्रान नासिर साहब के पास चले जाएं, और अगर किसी ने केस जीतना हो तो वो आए जाफरी साहब के पास। वाओ, आई एम जस्ट अमेज्ड कि इस टाइप के लोग भी दुनिया में होते हैं, मुझे नहीं पता था कि दुनिया में इतने बुरे लोग भी होते हैं। फयाज रामी साहब ने लीगल एक्शन ले तो लिया है, लेकिन जब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाती तो ना तुम लोगों की जबान बंद होगी, ना तुम लोगों का चैनल बंद होगा, और ना ही ये सब हरकतें बंद होगी।
लीगल एक्शन के साथ साथ आई थिंक अवाम की तरफ से भी तुम लोगों को फुल ऑन चित्तर पढ़ने चाहिए। जब तक अवाम की तरफ से तुम लोगों को चित्तर नहीं पढ़ेंगे और उन चित्तर की वीडियोस वायरल नहीं हो जाएंगी, आई डोंट थिंक कि तुम लोग इंसान बनोगे, आई डोंट थिंक कि तुम लोगों का मुंह बंद होगा। तो सुबह जाके इन्होंने कुछ तस्वीरें रिलीज की हैं उस कमसिन बच्ची की उस मुलजिम जहीर के साथ जो कि प्राइवेट पिक्चर्स थी। तो आई डोंट नो इनका मकसद क्या था वो तस्वीरें रिलीज करने का, मुझे तो कोई मकसद समझ नहीं आया सिवाय इसके कि वो बहुत ही ज्यादा चीपनेस दिखा रही थी, घटिया बना दिखा रही थी और सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी। ना सिर्फ माँ बाप के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी बल्कि अवाम के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर रही थी। आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, मुझे वो तस्वीरें देखी निहायत ज्यादा घिन आई थी। वो बच्ची माइनर है, कोर्ट ने उस बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया है, कोर्ट ने उनके निकाह को नल एंड वॉइड कर दिया है। यस, उनके निकाह का फैसला जो है वो हो जाएगा और उसको लीगली उनके निकाहनामे को फाड़ के आपके मुंह पर भी फेंक दिया जाएगा। उसका एक ड्यू प्रोसेस है, उसका एक लीगल प्रोसेस है। और तस्वीरें जो आपने रिलीज की हैं उसके पीछे आपका क्या मकसद था, क्या गेम थी, क्या प्लानिंग थी, आई डोंट नो। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि दे वर नॉट इन गुड टेस्ट, वो एक बहुत ही घटिया हरकत थी। नहीं है वो कि कम से कम बच्ची का पांव पकड़ के सोता था मुलजिम। तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि मुलजिम जो है वो इतना इनसिक्योर था कि वो बच्ची रात में उठ के भाग ना जाए तो वो उसका पांव पकड़ के सोता था? इससे मोहब्बत तो कहीं से जाहिर नहीं होती। अगर आप हमें ये बताना चाह रही थी कि वो रोमियो अपनी जूलियट का पांव पकड़ के सोता था तो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे का पांव पकड़ के तो नहीं सोते। पांव पकड़ के तो लोग उनका सोते हैं जिनको उन्होंने जबरदस्ती किडनैप करके अपने घर में रखा होता है और उन्हें डर लग रहा होता है कि वो कहीं भाग ना जाए। रस्सी से तो वो बांध नहीं सकता क्योंकि पांव पे फिर निशान पड़ जाता और मेडिकल रिपोर्ट में आ जाता कि जी पांव पे तो निशान है रस्सी का, तो बांध वो सकता नहीं है। हमें सेल क्या कर रही हैं? बॉलीवुड मूवीज में भी लव स्टोरीज दिखाई जाती हैं। आई थिंक आप बहुत बॉलीवुड मूवीज देखती हैं, आपके ऊपर तो रोमांस का वो बहुत बड़ा वाला जो जिन होता है ना, थिंक आपके ऊपर वो वाला जिन बैठा हुआ है। लेकिन अगर आपके ऊपर बॉलीवुड का वो बड़ा वाला जिन भी बैठा हुआ है ना, जो करण जौहर के ऊपर से उतर के आपके ऊपर आके बैठ गया है, तो फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो जिन करण जौहर पे बैठा हुआ था ना, तो वो फिर भी करण जौहर कैसी मूवीज बनाता था, होता था, लव स्टोरी बनाता था। ठीक है, आई गिव हिम दैट, लव स्टोरीज बनाता था, बट वो लव स्टोरीज के टैगलाइन क्या होता था? इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली, इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। उसकी लव स्टोरीज में भी वो फैमिली को प्रायोरिटी देता था, वो फैमिली को इज्जत देता था, वो माँ बाप को इज्जत देता था। बच्चे अगर माँ बाप से लड़ झगड़ के शादियां भी कर लेते होते थे, माँ बाप से नाराजगियां भी हो जाती थी, व्हाटएवर, लेकिन बच्चा फिर भी माँ बाप को याद करता है, बच्चा फिर भी माँ बाप के लिए तड़प रहा होता है, फिर भी खुश नहीं होता, फिर भी मिस कर रहा होता है। और जैसे ही माँ बाप को देखता है, जैसे ही माँ बाप के बारे में सुनता है, फौरन तड़प जाता है, माँ बाप के बारे में फजूल के बयानात नहीं दे रहा होता जैसे कि आप दिलवाती हैं, जैसे कि सवालात आप लोग पूछते हैं। करण जौहर का भी जिन जो है वो उसको फिर भी बोलता है कि करण, इट्स ऑल अबाउट लविंग द फैमिली। तो आप पे कौन सा जिन चढ़ा हुआ है?